सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं। माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। इस क्षेत्र में नदी होने के कुछ और प्रमाण हैं। नदी के रास्ते को लेकर कई बार रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। इसरो के वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। जैसलमेर जिले में जहाँ बहुत कम बारिश होती है, लेकिन यहाँ 50 से 60 मीटर पर भूजल मौजूद है। इस इलाके में कुएं साल भर नहीं सूखते हैं। इस पानी के नमूनों में ट्राइटियम की मात्रा नगण्य है, जिसका मतलब है कि यहाँ आधुनिक तरीके से रिचार्ज नहीं किया गया है। स्वतंत्र और आइसोटोप विश्लेषण में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई कि रेत के टीलों के बीच ताजा पानी जमा है, और रेडियो कार्बन डेटा इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ 1000 वर्ष पुराना भूजल मौजूद है। इस मामले में अब जो रिसर्च सामने आया है, वो सरस्वती नदी को लेकर कई रहस्यों से पर्दा हटाने वाला है। मिल गया सरस्वती नदी का जल मार्ग। दरअसल हड़प्पा सभ्यता के बारे में आम मान्यता है कि वो पूरी तरह से मॉनसून से होने वाली बारिश पर निर्भर करती थी, लेकिन अब ऐसे ढेरों सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में मौजूदा बरसाती नदी घग्गर के किनारे बड़ी संख्या में हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां बसी थी एक समय में, और ये जलमार्ग पौराणिक नदी सरस्वती का था। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद और IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं की ताजा रिसर्च में इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में एक 12-मासी नदी बहती थी। शोधकर्ताओं के अनुसार ये नदी मोटे तौर पर आधुनिक घग्गर के रास्ते से बहती थी। इसी नदी को ऋग्वेद में सरस्वती कहा गया है। सरस्वती के किनारे बसी थी हड़प्पा सभ्यता। महाभारत और दूसरे ग्रंथों में सरस्वती के पूरी तरह से सूखने का वर्णन है। ये शोध नेचर पब्लिशर्स की पत्रिका साइंटिफिक रिपोर्ट के नवीनतम अंक में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ता इस बात का सबूत देते हैं कि सरस्वती 12-मासी थी और उच्च हिमालय से 7000 ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व के बीच बहती थी। साथ ही हड़प्पा वासियों ने 3800 ईसा पूर्व और 1800 ईसा पूर्व के बीच इस विशाल नदी के साथ अपनी प्रारंभिक बस्तियों का निर्माण किया था। महाभारत काल में बहती थी सरस्वती। महाभारत में सरस्वती का उल्लेख है और कहा गया है कि ये गायब हो गई नदी है। जिस स्थान पर ये नदी गायब हुई, उस स्थान को विनाशना या उपमजना का नाम दिया गया। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी, और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहा दिया गया था, यानी तब इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थी। सरस्वती के साथ हड़प्पा का पतन। रिसर्च के मुताबिक सरस्वती के सूखने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। सरस्वती नदी और हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग मेघालय चरण के शुरुआत के साथ मेल खाता है। मेघालय चरण वैश्विक जलवायु में आया सूखे का दौर है, जो आज से 4200 साल पहले शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। हिमालय के ग्लेशियर्स में था स्रोत। रिसर्च में अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि सरस्वती का भी स्रोत गंगा, यमुना और सतलज के समान उच्च हिमालय के बर्फ से ढके क्षेत्रों में था। हालांकि आधुनिक घग्गर का उच्च हिमालय से कोई सीधा संबंध नहीं है, और यह हिमालय की तलहटी शिवालिक से निकलती है। वर्तमान घग्गर के प्राचीन जलमार्ग में ग्लेशियर से पिघला पानी पहुंचने का एकमात्र रास्ता सतलज नदी की सहायक नदियां रही होंगी। घग्गर के नीचे मिले सरस्वती के सबूत। घग्गर के जलमार्ग में जलोढ़ मिट्टी के 3 से 10 मीटर नीचे मौजूद बड़े दानों वाली सफेद रेत के जमाव मिलने से वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सरस्वती नदी में 80,000 साल पहले बेरोक टोक पानी बहता था, जो लगभग 20,000 साल पहले तक जारी रहा। इसके बाद इसमें कमी आई। हालांकि लगभग 9,000 साल पहले नदी में फिर ताकत आई, और ये अगले
4,500 साल तक बहती रही। ये कालखंड नदी के किनारे पूर्व हड़प्पा और प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियों के फलने फूलने के साथ मेल खाती है, लेकिन इसके बाद इस नदी की 12 महीनों बहने वाली ताकत फिर से खो गई। शायद सतलज से आने वाले पानी के स्रोत सूखने की वजह से ऐसा हुआ होगा।